नवंबर 1962 की बात है। श्रीलंका के नुगेगोड़ा में जयसेना परिवार के घर उनके छोटे बेटे ने जन्म लिया था। परिवार में खुशी का वातावरण था। बच्चा शांत और धीर गंभीर था, लेकिन थोड़ा सा उग्र स्वभाव का भी था। 2 वर्ष का होते ही उनके छोटे बेटे ने एक अजीब बात कहनी शुरू कर दी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मेरी असली माँ बेनगोडा में रहती है। इन सब बातों से उसकी माँ दुखी तो जरूर हुई, लेकिन अप्रैल 1965 तक उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन जयसेना परिवार के लोग अपने पारिवारिक मित्रों से मिलने मडाले जा रहे थे। रास्ते में 24 मील के पत्थर के गुजरते ही बच्चा बस की सीट पर खड़ा हो गया और चीखने लगा, वो वहाँ मेरी माँ रहती है। बस में अन्य सहयात्रियों के भी होने की वजह से बच्चे के माँ के लिए परिस्थितियाँ थोड़ी असहज हो गई। बस उसी समय उसकी माँ ने तय किया कि वह पूरे मामले की तह तक जाएगी। लौटते समय बच्चे के माँ बाप ने एक कार ले ली और उसी गांव की तरफ आए जहाँ उनके बच्चे ने अपनी माँ के होने की बात चिल्ला कर कही थी। शाम ढल रही थी, लेकिन गांव में प्रवेश करते ही बच्चा गाड़ी से उतरने लगा। उत्तेजना में उसके मुँह से निकला, मेरी माँ यहीं रहती है। दरअसल बच्चा श्रीमती सेने बीरत्ने के घर की तरफ भागा जा रहा था। पड़ोस के लोगों ने उसे पकड़कर किसी तरह कार तक पहुंचाया। पड़ोस के लोगों से ही उस बच्चे के माँ बाप को पता चला कि 5 साल पहले यहाँ श्री सेने बीरत्ने और उनकी पत्नी का बच्चा खो गया था और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। इधर शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा घिर रहा था। जयसेना ने सेने बीरत्ने के परिवार को परेशान करना उचित नहीं समझा और अपने बच्चे को किसी तरह से समझा बुझाकर उसे दोबारा फिर से यहाँ लाने का वादा करके वे लोग वापस लौट गए। कुछ महीने बाद बच्चे के बड़े मामा सेने बीरत्ने के परिवार से मिले। उन्होंने उन लोगों से सब कुछ बताया और बच्चे को पहचानने के लिए लाने का दिन निश्चित हुआ। उस दिन उसे कुछ मिठाइयाँ एक डिब्बे में भर कर दी गई कि वह उसे अपनी असली माँ को दे देगा। कार धीमे धीमे चल रही थी, उसमें उसके माँ बाप और मामा भी थे। लेकिन जैसे ही गांव के अंदर कार एक सड़क से मुड़ी तो बच्चे ने कार की सीट पर खड़े होकर ड्राइवर से कहा, अंकल उधर नहीं, वहाँ चार्ली अंकल रहते हैं, मेरा घर दूसरी सड़क पे है। थोड़ी दूर और चलने के बाद बच्चे से कहा गया कि वह आगे आगे चले, कार उसके पीछे ही रहेगी। उसके बाद बच्चा सीधे अपने घर पहुंचा और वहां खड़ी भीड़ को लगभग चीरता हुआ श्रीमती विनी सेने बीरत्ने के पैरों पर अपनी मिठाई के डिब्बे को रख दिया। वहां वो सबसे ऐसे मिला जैसे कोई अपने घर वालों से बहुत दिन बाद मिल रहा हो। बच्चे ने अपने बड़े भाई को भी पहचाना और उसे उसके नाम से बुलाते हुए अपनी पूर्व जन्म की माँ को याद दिलाया कि एक बार उसके भाई ने उसे पीटा था। उसने चार्ली अंकल के बिजली के कारखाने की भी बात की और धान के अपने खेतों की तरफ इशारा करके उसके बारे में भी बात की। इन सब बातों से श्रीमती सेने बीरत्ने हक्की बक्की रह गई। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरू में उन्हें काफी संदेह था, लेकिन अब वो पूरी तरह मान चुकी हैं कि 1960 में उनका जो बेटा खो गया था वही जयसेना के बेटे के रूप में जन्मा है। भावी जन्म में पिछले जन्म की स्मृतियों का बना रहना कुछ पुण्य कर्मों की वजह से होता है, लेकिन हम सभी अपने वर्तमान जन्म में भी कुछ यौगिक साधनाओं जैसे ध्यान और जलंधर बंध के अभ्यास से अपने पूर्व जन्म की बातें एक एक घटनाएं देख सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए बिना संदेह इनका अभ्यास जरूरी है।